कोलेब्स हो जाती थी और महीने में कम से कम 10 से 12 बार हॉस्पिटलाइज होती थी दैट टू इन एमरजेंसी क्या आप एल्कोहल लेते हैं क्या आप ड्रग्स लेते हैं क्या आप मीडिया में हैं चार बजे मेरी आँख खुली और बहुत ज़ोर से वो वाला अटैक आ रहा था मुझे और मैंने जो है कहा कि अब ऑल आउट का ये लेते हैं लिक्विड और पी के ख़त्म करते हैं और प्रे करूँगी मर जाऊँ इससे दो साल पहले जब मैं अब दो साल के गैप के बाद जब जॉब करना शुरू किया तो मुझे थ्री थाउजेंड की सैलरी ऑफ़र हो रही थी क्योंकि मेरी याददाश्त जा चुकी थी मैं चार सौ से ज़्यादा क्लाइंट को हैंडल कर चुकी हूँ अभी भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज को हैंडल कर रही हूँ हेलो मेरा नाम स्मिता है और आ, मैं बाय प्रोफेशन पीआर हूँ और मैंने एक फिल्म भी बनाई है फिल्म मेकर भी हूँ और मैं रहने वाली हूँ उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव प्रतापगढ़ की और अभी करेंटली पीआर वाइज मैं चार सौ से ज़्यादा क्लाइंट को हैंडल कर चुकी हूँ अभी भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को हैंडल कर रही हूँ लेकिन मेरी कहानी यहाँ तक की नहीं है मेरी कहानी उसके पहले की है उस उसमदा की है जो लाइफ में गिवअप कर रही थी और सुसाइड करने जा रही थी मैं एक छोटे से शहर से आती हूँ शहर का नाम है प्रतापगढ़ यूपी में जहाँ पे मोस्टली मैंटालिटी ये होती है कि 25 की एज तक लड़कियों की शादी कर देनी है स्पेशली जहाँ से मैं आती हूँ और मैं एक ऐसी अकेली लड़की थी जो अपने घर से बाहर निकली पढ़ने के लिए विदाउट एनी क्लियर विजन की करना क्या है बट कुछ बड़ा करना था पहली बार लखनऊ में तब आई जब मेरा भाई फोर्थ स्टेज के कैंसर से फाइट कर रहा था मेरे पापा बैंक ऑफिसर हैं उन्होंने एक साल का ब्रेक लिया था मेरे घर में सब ने एक साल अपना रोका था हॉल्ट किया था मेरी बड़ी सिस्टर ने भी मेरी बीच वाली सिस्टर ने भी पढ़ाई अपनी रोकी थी सबका ड्रॉप चल रहा था क्योंकि वो बड़ी बीमारी थी बट पापा ने सबसे छुपाया था कि ऐसा कुछ नहीं है थोड़ी है सही हो जाएगी क्योंकि हम लोग हैंडल नहीं कर सकते थे उस चीज को तो उसी टाइम में मेरे भाई का ये जिद था कि इसको बाहर जाना चाहिए जा। लेकिन जब मैं 2007 में बाहर निकली पढ़ने के लिए मास कम्युनिकेशन किया जो मेरे भाई ने बोला था कि तुम इसमें अच्छा कर सकती हो और जर्नलिस्ट बनने निकली थी और उस टाइम मेरा करियर अच्छा खासा जा रहा था मैगजीन्स में बहुत अच्छा काम कर रही थी मैं फिर एन डी टी में अच्छा काम कर रही थी एंड देन उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली काफ़ी कुछ करियर के पीक पर थी और ऑल ऑफ सडन दो बड़ी घटनाएं मेरी लाइफ में हुई जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि अब लाइफ यहाँ पे रुक गई है अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ वो ये घटना थी कि uh, 2008 में मेरे भाई का जाना uh, उसको कैंसर हुआ था और ही वॉज़ ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड और टू थाउजेंड अलेवन में मेरी मदर का अचानक से जाना जब मैं रात में उनसे बात किया एंड शी सेट की आई एम एब्सलूटली गुड हेल्थ वाइज और आई एम वेटिंग फॉर योर फर्स्ट सैलरी और uh, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारी फ़र्स्ट सैलरी कब मिलेगी मुझे उसका चेक का फोटो कापी देना दो घंटे बाद मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आता है मेरे फ्रेंड के पास कि ऐसा ऐसा उसने बता दिया उसको बट मुझे नहीं बताया वो फ्रेंड ने मुझे लेने आया रात में कि चलो तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है रात में ढाई बजे आया और तुम्हें जाना है प्रतापगढ़ तो मैंने कहा अच्छा अभी तो सही थी मैंने कॉल किया मैंने कहा मम्मी से बात कराओ तो कोई बात ना कराए मेरी मामी थी मैंने कहा बात कराओ बोली नहीं तो अभी वो ग्लूकोज चढ़ रहा है ये है होश में नहीं है बात कराओ तो नहीं बात करा रही थी तो मुझे नहीं पता चला था और मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि इतना बड़ा हादसा मेरे भाई का हुआ है तो अभी और कुछ नहीं होगा ऐसा मतलब ये जो यूनिवर्स है ये इतना बेरहम नहीं हो सकता मेरे अंदर ये था कि अभी कुछ नहीं ऐसा हुआ होगा ऐसा मेरे अंदर लगातार दिल दिमाग की लड़ाई चल रही थी मैं वहाँ पहुँची एयरपोर्ट से लखनऊ पहुँची लखनऊ से मेरे मौसा जी लोग मुझे लेने आए थे और जब मैं वहाँ पे जाने लगी तो मेरे का मम्मी कहाँ एडमिट है उन्होंने तो बोला एक हॉस्पिटल है इलाहाबाद में वहाँ एडमिट है, है। मैंने कहा ठीक है जब जाने लगी तो जब वो वापस जब उस गली में घुसे जिस गली में तीन साल पहले मैं अपने भाई के लिए घुसी थी उस गली में जब घुसी बेसिकली हमारे यहाँ लड़कियां घाट पे नहीं जाती बर, लेकिन दोनों केसेस में मैं बाहर थी में तो मुझे जब वापस उस गली में जाना हुआ तो मेरे अंदर की वो घबराहट शुरू हो गई कि अब इस गली में क्यों पहले वाले इसमें निकल नहीं पाई इस गली के थ्रू होके कौन सा हॉस्पिटल आता है वो गली तो नदी का किनारा है जब मैं वहां पहुंची तो मैं किसी को पहचान नहीं रही हूँ मैंने कहा ये कौन है कहाँ पे आए हैं बहुत सारे लोग की भीड़ लगी थी तो मैंने देखा कि Uh, मैंने मेरे जीजा जी देखे क्या हुआ कौन है बोले कुछ नहीं है मुझे ले गए तो फिर मैंने देखा सामने पापा को पापा को पहचान नहीं पाई देख के बहुत अजीब से तो मैंने कहा कौन है तो बोले ऐसे इशारा किया तो जब मैंने देखा तो मम्मी का फेस एकदम ब्लू था मैंने कहा ये तो कौन है तो बोले मम्मी है तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता तो वो जो मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था और मैं नाइन्टी सेवन में एक बार ऐसा हुआ था मम्मी मुझे छोड़ के गई थी कोई हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराने जिसमें यह था कि शायद वो बचेंगी नहीं और दस दिन मुझे वो मिली नहीं थी तो मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आ गया था मम्मी नहीं मिली लेकिन दस दिन बाद जब वो मुझे मिली थी तो मुझे बहुत खुशी हो गई थी मैं लगा था मुझे लाइफ सेकेंड लाइफ मिल गया है ना तो मुझे मैं घाट पे भी जब मम्मी को मिली तो मैं बेहोश हो गई उसके बाद मुझे होश नहीं आ रहा था ढंग से तो मुझे यही मैं 97 में चली गई मुझे लगा कि शायद मुझे फिर मिलेंगी मम्मी है ना तो उस चक्कर में वो जो मेरी हार्ट का प्रॉब्लम जो एक घबराहट दिमाग को पता है क्या हो रहा है दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो जो दिल दिमाग की लड़ाई थी वो बहुत मुश्किल वाली थी और जब मैं उसी घाट पे पहुंची तो मैं मम्मी के बजाय जो करेंट रियलिटी है उसके बजाय मैं वहाँ पे जो एक स्लैब था जहाँ पे मेरे भाई को रखा गया था तीन साल पहले मैं उसको देख रही थी उसको देख के मैं तीन साल पहले वाले जोन में थी अरे मेरा भाई था यहाँ पे इस वाले इंसिडेंट को मैं भाव ही नहीं दे रही क्योंकि मेरे हिसाब से झूठ था मैं उस वाले जोन में थी और जब किसी ने कहा अरे देखो मम्मी है तो मैंने कहा नहीं है मम्मी और मैं लड़ाई किया किया गुस्सा उसके बाद मैं नाइनटी सेवन वाले फ्लैशबैक में चली गई मुझे तेरह दिन बाद एहसास हुआ कि ऐसा कुछ है तेरह दिन तक मैं लोगों से नमस्ते करती थी आई बैठिए मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट एक दूसरी जर्नी शुरू हुई जो मेरी चार साल तक चली वो थी मेरी एक अजीब सी अननोन सी बीमारी जो मेरे हार्ट में डेवलप हुई जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा तो सांस लेना भी मुश्किल होता था क्योंकि वो बहुत सीवियर लेवल की पैल्पिटेशन प्रॉब्लम थी जो कि कभी भी ज़्यादा कभी भी कम होती थी उस बीच में मेरा बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होता था और मैं कैसे कोलेप्स हो जाती थी और महीने में कम से कम दस से बारह बार हॉस्पिटलाइज होती थी दैट डैट एमरजेंसी वो बीमारी मेरी मेरे अंदर से डिसबिलीव पैदा करती गई और डॉक्टर ने जब कहा कि ये साइकेट्रिस्ट का मैटर है तो मैं कैसे वो साइकेट्रिस्ट की रेगुलर दवा खा के मैं तीन तीन दिन तक लगातार सोती रहती थी और वो जब मैं तीन दिन बाद उठती थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कहाँ हूँ वो जो फीलिंग है वो फीलिंग को कई बार मतलब मैं शब्द में बयान नहीं कर पाऊँगी बट बहुत टफ था मुझे पता ही नहीं लगता था मैं कौन हूँ मुझे एक इंसिडेंट याद है कि ओ, मेरी सिस्टर आई थी घर पे जब जहाँ मैं दिल्ली में रहती थी और वो मुझे ओ, मैंने कहा कि मेरा टॉप चेंज करो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है जब उन्होंने मेरा टॉप निकाला तो पूरा वायर था मेरे टॉप में अंदर तो मैं एक टेक्निकली मैं एक अंडर ऑब्जर्वेशन में थी होल्टर टेस्ट हो रहा था और मैं खुद ही वो वायर लगवा के एक दिन पहले आई थी टेस्ट करवा के और मैंने कहा ये ये वायर किसने लगाया और मैं एकदम रेस्टलेस परेशान तो कैसे मेरे आसपास के लोग जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते थे नहीं नहीं ये हम ही ने लगवाया जाके ताकि मेरे दिमाग पर वो असर ना आए तो मैं मैंटली uh, इतनी ज़्यादा uh, परेशान हो गई थी और मुझे ऐसा डिसबिलीफ आ रहा था और मेरा जो मेरा जो मेन प्रोफेशन था वो था पीआर का जर्नलिज्म से मैंने पीआर में स्विच किया था और मेरा पीआर बहुत, बहुत 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 फेवरेट प्रोफेशन था मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया था इसमें और बहुत लोग बहुत अच्छी पोजिशन पर जाके जॉब कर रहे थे लेकिन मुझे एक बार सोसाइटी में नीचे में घूम रही थी और मुझे उस टाइम मेरा सकेट्रिस uh, का ट्रीटमेंट चल रहा था तो मुझे उन्होंने बोला इन टू पी पीआर ना आप पी में थे तो मुझे एक अजीब से घबराहट हुई कि ये क्या कुछ जाना पहचाना शब्द है जो ये बोल रही है मैं समझ क्यों नहीं पा रही तो मुझे फिर मैं बहुत रेस्टलेसनेस घबराहट थी मैं ऊपर आके जब मैंने गूगल किया तब मैंने देखा पी आर का तो मतलब पब्लिक रिलेशन और फिर मुझे याद आना शुरू हुआ मैं क्या करती थी जॉब पहले तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बहुत रेस्टलेसनेस होती थी और वो जो मेरी बीमारी थी उसका कोई दवा नहीं मिल रहा था और वो मेरा पैनिक अटैक बढ़ता जा रहा था अपने ऑफिस में आ, आ, कैंटीन में जाके कॉफ़ी ले रही थी और किसी से हंसते हुए बात कर रही थी और अचानक से पता नहीं कैसे वो मुझे पेल्पिटेशन इशू हुआ बहुत तेजी से क्योंकि वो अचानक से कभी भी बिना किसी बेस के आ जाता था तो मेरी फ्रेंड ने और मेरे कुछ जो कोलिग्स थे वहाँ पे हंसते हुए बोला अच्छा आप ये गिरी इसका आप कुछ नहीं हो सकता ये गिरी अभी तुम आ, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है अब तुम जाओ अब हॉस्पिटल जाएगी तो, तो दैट्स हाउ स्लोली ग्रेजुअली पीपल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ मी पहले सिंपैथित और मुझे वो बहुत तकलीफ होती थी इवन डॉक्टर्स यूजू से कि आप एल्कोहल लेते हैं क्या आप ड्रग्स लेते हैं क्या आप मीडिया में हैं तो आप ये सब चीज़ का सेवन करते हैं क्या इसके लिए ऐसा हो रहा है जबकि मैंने कहा कि अगर आपका कोई टेस्ट है तो आप चेक कर लो कि मैंने कभी टच भी नहीं किया ये सारी चीज़ें जब मैं इस प्रॉब्लम से गो, गो थ्रू कर रही थी तो ये सारे इंसिडेंट्स हुए जो कि मेरे अंदर खुद के अंदर एक डिसबिलीफ पैदा कर रहा था कि अभी मेरा लाइफ ख़त्म हो गया अभी कुछ हो नहीं सकता उस दिन मैंने कहा कि अगर अब प्रॉब्लम कुछ होगी तो मैंने आउट का लिक्विड इकट्ठा करके रखा था कि मैं जो है अब सुसाइड करूँगी क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ मैं सांस नहीं ले पाती हूँ बीमारी के चक्कर में बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो वो हेल्पलेसनेस तो चलती एक दिन सुबह चार बजे मेरी आंख खुली और बहुत ज़ोर से वो वाला अटैक आ रहा था मुझे और मैंने जो है कहा कि अब ऑल आउट का ये लेते हैं लिक्विड और पी के ख़त्म करते हैं और प्रे करूँगी मर जाऊँ इससे मैं ऐसा मेरे अंदर चल रहा था लेकिन जैसे मैंने वो उठाया तो दैट्स वेन आई रिकॉल माई फादर फादर को ऐसा इमोशनली नहीं कि अरे मेरे पापा का क्या होगा इसलिए कि एक इंसान का कोई दुख सहने का कोई सीमा होती उनका एक बेटा गया उनकी वाइफ गई और अभी मैं मैं तो फ्री हो जाऊंगी बट वॉट अबाउट फादर है ना वो कैसे सारी चीज़ें हैंडल करेंगे बहुत चीजें हो जाएंगी उनके लिए वो हैंडल नहीं कर पाएंगे है ना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे पापा को खुशी देनी है दुख नहीं देना है दुख का कॉज नहीं बनना है मुझे पापा के लिए तो वैसा करके फिर मैंने कहा कि आ, मैंने फिर ये डिसाइड किया अगले दिन मॉर्निंग में उठ के कि जहाँ पे मैं सुसाइड करने जा रही थी क्योंकि मेडिकल साइंस ने हाथ खड़ा कर दिया कुछ नहीं हो सकता बट मैं अभी अभी कौन से साइंस बसती जो मुझे जिंदा रखेगी तो मैंने कहा जहाँ पे मेडिकल साइंस की दुकान खत्म होती है वहाँ पे ह्यूमन लाइफ की दुकान स्टार्ट होती है वो मुझे समझ में आया और उसी टाइम को इंसिडेंटली मुझे एक प्रैक्टिस मिली जो हम बुद्धिज़म करते हैं जिसमें और उसमें हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर दाइसा को वो ये बताते हैं कि जो लाइफ में बहुत सारी सीरीज की प्रॉब्लम की सीरीज़ आएंगी बहुत कुछ होगा बट एक चीज़ क्या है जो हमें कॉन्स्टेंटली बिलीव करना है अपनी लाइफ की पावर पे जो हमारी लाइफ की पावर होती है ना वो यूनिवर्स में जितनी पावर है उसके बराबर होती है हमें हमें अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए यूनिवर्स के बराबर की पावर हमारे अंदर है ये हमें कब याद रखना है जब हम टफ टाइम फेस कर रहे हैं तो वो चीज़ और उन्होंने लास्ट में लिखा कि डिफीट इज़ अनथिंकेबल मतलब हारना तो दिमाग में रखना ही नहीं है कि हारना है ये चीज़ को लेके मैंने वो प्रैक्टिस स्टार्ट करी मैं बॉम्बे मूव किया जब बॉम्बे आई तो यहाँ पे बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके पहले उसके पहले जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू किया फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया मेरे करियर में थोड़ा लंबा गैप आ गया था तीन चार साल का है ना तो मैंने जब जॉब के लिए शुरू किया कि अभी मुझे जॉब करना जब मैं जॉब के लिए गई जब मुझे पहले हैंडसम सैलरी मिलती थी दो साल पहले जब मैं अब दो साल के गैप के बाद जब जॉब करना शुरू किया तो मुझे थ्री थाउजेंड की सैलरी ऑफर हो रही थी क्योंकि मेरी याददाश्त जा चुकी थी काम के मैटर में विद जीरो कॉन्फिडेंस तो मुझे लगा कि अब क्या करूं अब कैसे शुरुआत करूं? कुछ ऐसा हो सकता है तो वो तो इसका मतलब क्या है वो, वो केवल ये समझते थे कि मेंटली रिटार्टेड इसके ऊपर किसी को मतलब दया आ जाए तो वो तीन हजार रुपए के लिए हमें रख लेते हैं बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद मैंने कहा कि अब मुझे यहाँ पे पीआर एजेंसी डालनी जो कि सेलिब्रिटीज पी आर हैंडल करते हैं सेलिब्रिटीज का ब्रांड मैनेज करते हैं तो मैं जब इधर आया ज्वाइन करने जब मैं इधर आई तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू था ट्रस्ट नो बडी वॉज ट्रस्टिंग मी क्योंकि मैं किसी के रेफरेंस से नहीं गई थी मैं रैंडमली लोगों से मिलने जाती थी कई बार लोगों ने बहुत ह्यूमिलियेट भी किया कि तुम्हें हम क्यों काम दें एक दिन मेरा काम का भी ब्रेक थ्रू ऐसा हुआ कि मैं uh, मुझे पता लगा एक जगह गोरेगांव में शूट चल रहा है और रात भर होने वाला वहाँ पे कुछ एक दो एक्टर्स थे जो मुझे लग रहा था शायद काम दे सकते थे उनके बारे में मुझे कहीं से पता चला था कि वो बहुत सॉफ्ट है वाइज तो रात के आठ बजे से लेके सुबह तीन बजे तक वहां पे बैठ के उनका वेट करती रही और वो दूर से मुझे देख के समझ रहे थे कि वो ही लड़की आई है पीआर आर के तो उनको जो भी उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ होगा वो मुझे तीन बजे बुलाए आधी रात में और वहां पे जहाँ शूट चल रहा था उन्होंने बोला कि क्या करती हो तुम क्या करना है तुमको मैंने पूरा विजन बताया मैंने कहा मुझे काम करना है एक महीना काम करा के देखिए आप मुझसे तो उन्होंने मुझे काम दिया मेरा डेडिकेशन देखे कि मैं पीआर में किसी को देखता नहीं हूँ कि कोई आके इतनी मेहनत करे पीआर में तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं तो उन्होंने काम दिया मुझे और उसके बाद एक लंबे वक्त तक कह सकते हैं कि पाँच छः महीने तक मैं बॉम्बे रही और बहुत थोड़े थोड़े पैसे में अपना खर्चा चलाती रही लेकिन अगला काम नहीं मिल रहा था अगला काम में मीटिंग करती थी लोग बोलते थे देंगे बट वो नहीं मिल रहा था लेकिन कैसे मेरे अंदर केवल एक ही चीज थी हर दिन मुझे मैं इसी से उठती थी कि आज मुझे जीतना है चाहे जो भी हो जाए आज मुझे जीतना है एंड ऑफ ऑफ कोर्स विद द द सपोर्ट दैट प्रैक्टिस आई डू तो लेकिन क्या हुआ कुछ टाइम बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता था सारे लोग मना करते थे काम नहीं दे पाएंगे आपको क्यों दे वो बोलते थे क्यों दे मैं बोलती थी मुझे जीतना है डेली का इसी दोनों के बीच का स्ट्रगल होता था एक दिन आ, मैं मैंने जाके बोला एक आ, एक एक्टर से कि आप को क्या लगता है मैं क्या कुछ बेकार कर दूंगी आपका काम आप मुझे एक महीने काम दे के देखो अगर आपको नहीं अच्छा लगता है मुझे पे मत करना और उल्टा मुझे बुला के खड़ा करके डांटना कि तुमने कितना बकवास काम किया है और मुझे लिटरली ह्यूमिलेट कर देना अगर मैंने काम अच्छा नहीं किया तो उनको पता नहीं क्या अंदर से लगा होगा तो उन्होंने मुझे काम दिया और उन्होंने मुझे काम दिया और एक महीने बाद जब मैंने उनको काम करके पूरा रिपोर्ट भेजा तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ वो बहुत बड़े एक्टर हैं मुझे बुलाया और मुझे एक बहुत इंस्पायरिंग सी बुक दिया एक अनुलब दिया मुझे जिसमें पैसे थे चेक था और मुझे कुछ एक और अच्छा सा गिफ्ट दिया उन्होंने बोला कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ तुमसे तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है तो ऐसे ऐसे करते करते मुझे काम मिलता गया और तब जाके वो सीरीज चार से ऊपर पहुंची

मैंने कहा कि अब वो मुझे नहीं आता है ये वाला आता है ये करके देखती हूँ अगर ये गड़बड़ होगा तो नहीं करेंगे देखेंगे कुछ और रास्ता अपनाएंगे तो ट्वेंटी करियर स्टार्ट करना इन 2016 से लेके अभी तक मेरे लिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सफर रहा है लॉकडाउन में अ, मेरे किसी फ्रेंड ने कहा था कि दिस इज द टाइम टू अनलॉक योरसेल्फ। तो आई कैन प्राउडली दैट इन लॉकडाउन आई हैव रियली अनलॉक इवन एक मेरे जो बहुत डीपेस्ट डिजायर थी चेरिस्ट डिज़ायर जिसको बोलते हैं और आप किसी से बोलने में शर्माते हो कि मैं कैसे बोलूँ मैं तो एलिजिबल ही नहीं वो चीज़ बोलने के लिए कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा वो था एक फिल्म डायरेक्ट करने का बहुत टाइम से 2016 से वो सीड मेरे अंदर आया था कि मुझे एक पिक्चर बनाना है बट मुझे मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे उनसे भी बोलने की हिम्मत नहीं थी कि दे विल मेक फन ऑफ मी कि यार तो काम शुरू नहीं कर पाई है ठीक से क्या पिक्चर बनाएगी बहुत बहुत शर्म आती थी खुद हेजिटेशन होता था खुद से नहीं कन्फ्रेंट कर पाती थी बट वो सीड मेरे अंदर था कि पिक्चर बनानी फिल्म मेकिंग का ना कोई टेक्निकलिटी पता थी ना शॉट लगाना पता था मुझे कुछ भी नहीं पता था फिल्म मेकिंग में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं लेकिन विद और अनविंग जो एक रिजॉल्व होता है कि करना ही है अच्छा ये करना है फिल्म बनानी है अच्छा ये स्क्रिप्ट है इसको उतारना है और कुछ कुछ और टेक्नीशियंस को बुलाया देखो भाई मुझे ये ये चीज़ नहीं आती है ये आती है आप ये कर लोगे मैं ये कर लेती हूँ लेकिन मुझे यही जो स्क्रिप्ट है जो मुझे बहुत पसंद आई है ये स्क्रिप्ट इसी को मुझे उतारना है तो मैं अपनी पूरी लाइफ की एनर्जी लगा दूंगी कि ये स्क्रीन पूरा उतारना है तो मैं कैसे हमने पूरा टीम के साथ छोटी सी टीम हमने बनाई थी लॉकडाउन के टाइम हमने पूरा शूट किया विथ कम्प्लीट प्रोफेशनलिज्म और हमने कैसे पूरी वो पिक्चर बनाई और बड़े बड़े हर्डल्स आए बट ये क्लियर था कि ये ड्रीम है अगर कोई ड्रीम बड़ा है तो वो बिना हर्डल के पूरा हो ही नहीं सकता हर्डल्स जो है वो स्प्रिंग बोर्ड है आपको वहाँ तक पहुँचाने का एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट से और कैसे वो हमने प्लेटफॉर्म पे अपनी पिक्चर को रिलीज़ किया और कैसे ऑडियंस का बहुत सारा प्यार मिला इतना शायद वो किसी बड़े ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जाती तो आई डाउट कि इतना प्यार मिलता आई रेटिंग उसकी एट है मीडिया वालों ने जो कि बड़ी बड़ी पिक्चर को उस टाइम रिजेक्ट किया था मेरी इस छोटी सी पिक्चर को एक्सेप्ट करके फोर स्टार दिया था प्रॉब्लम्स तो आएंगी जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे जैसे मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया दो ऑप्शन होते एक तो सुसाइड करो और एक आप जंप मार जाओ तो जंप मारने के लिए वो सुसाइड तक पहुंचना बहुत जरूरी है वो फीलिंग तक पहुंचना बहुत जरूरी है वही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप डिसाइड कर पाओगे तो, तो उसी टाइम पे आपको ये डिसाइड करना है कि अगर मैं यहां तक आके पहुंच गई हूं मेरी लाइफ में चारों तरफ से सफरिंग है कोई रे ऑफ होप नहीं है तो उस टाइम पे हमें होप क्रिएट करना है यही हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इवन मेरे मेंटर भी बोलते हैं कि इफ देर इज नो होप देन क्रिएट होप है ना सो दिस इज माई लर्निंग एंड अगर ड्रीम है तो बड़े बड़े हर्डल्स आएंगे वो हर्डल्स जो हमें लगता है अरे यार ये हर्डल आ गया मैं कैसे ये ड्रीम पूरा करूँ वो हर्डल्स ही हमारे दोस्त हैं जो हमें वो ड्रीम को एक करने में, में मेरी मदद करेंगे थैंक यू सो मच